क्या हाल है दोस्तों। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ कुछ दिक्कत तो हो रहा होगा, जैसे रीनिंग वगैरह में होगा। रीनिंग में हम कोशिश किए थे कि पूरा का पूरा क्या करें, पढ़ा दें, लेकिन वो उसमें पूरा नहीं कर पाए। तो आशा करते हैं कि इसमें हम क्या करें, पूरा कर दें। और हम लोग टॉपिक वाइज क्या करते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग थ्योरी पे, ठीक है। थ्योरी के साथ साथ उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो अलग अलग हम लोग टॉपिक वाइज करके देखते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डाइस। डाइस का मतलब क्या होता है, पासा, जो लूडो वाला पासा होता है वो, ठीक। तो देखिए, हम लोग डाइस हम लोग देखते हैं। तो देखिए, डाइस होता किस तरह से है। अच्छा, मेन बात है कि डाइस में कितने सत्व होते हैं, 6 सत्व होते हैं। लेकिन हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे, इसमें दिखेगा कितना, 3 सतह दिखेगा और 3 सतह क्या होगा, छिपा हुआ रहेगा, ठीक है। क्या होगा, 3 सतह दिखेगा और 3 सतह क्या रहेगा, छिपा हुआ रहेगा। तो हम लोग को डाइस जो होता है इस तरह से होता है। पेन का कलर चेंज कर ले थोड़ा, ठीक है। डाइस कैसा होता है, मैंने इस तरह से, ठीक है। और इसे काफी सारे क्वेश्चन भी आते हैं, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से रहेगा, 3 सतह आपको दिखेगा और 3 सतह छिपा हुआ रहेगा। इसमें सतह कितने होते हैं, सतह होते हैं 6। शीर्ष कितना होता है, 8। और किनारा कितना होता है, 12, ठीक है। लेकिन हम लोग को इसका कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग इसमें पढ़े हैं कि इसमें क्वेश्चन आता कैसे है। अब देखिए, डाइस जो कहा जाता है, डाइस 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस होता है। अब देखिए, स्टैंडर्ड डाइस किसको कहेंगे और नॉर्मल डाइस किसको कहेंगे, जिसका अपोजिट सतह, अपोजिट सतह का सम अगर होगा, अगर 7 आ जाए, वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डाइस। इसका क्या होगा, इसमें अपोजिट सतह का यानी एडजेसेंट सरफेस, एडजेसेंट सरफेस का सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। मतलब इसमें क्या होना चाहिए कि नॉर्मल और स्टैंडर्ड क्या है, नॉर्मल मतलब स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस। इसमें क्या करेंगे, विपरीत सतह, विपरीत सतह का योग जो होगा, सतह का योग 7 होना चाहिए, ठीक है। किंतु दूसरा पॉइंट इसमें कह सकते हैं कि जो संलग्न सतह माने एडजेसेंट सतह, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसे लगा हुआ रहता है, तो ये वाला जो हिस्सा इसके लगा रहेगा, इसको नहीं एडजेसेंट, मतलब कि पड़ोसी, ठीक है। अगर ये पड़ोसी होगा, यानी संलग्न सतह, संलग्न सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। अब इसमें कितने सतह लेंगे, सबसे पॉइंट ये होता है, कितने सतह लेंगे, तो सिर्फ 2 सतह लेंगे, क्या लेंगे, 2 सतह, ठीक है। अगला पॉइंट है नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस में होता क्या है कि संलग्न सतह जो इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा, सीधे उल्टा रहेगा। मान इसमें क्या रहेगा, संलग्न सतह का योग कितना रहेगा, योग रहेगा 7, ठीक है। और विपरीत सतह का, विपरीत सतह का आयोग 7 नहीं होगा, क्या होगा, 7 नहीं होगा, क्लियर है। बीपी सतह के क्या होगा, 7 नहीं होगा, यहां तक क्लियर है। जैसे देखिएगा, अब जैसे मान लिया जाए कि एक डाइस है, 1 2 3 है, तो देखिएगा इसमें क्या करें, संलग्न सतह मतलब कि ये दोनों होगा, ये हो जाएगा और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या 2 जोड़ 3 5 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, जो 7 के क्या है, बराबर नहीं है। 1 और 3 कितना होगा, 4, जो 7 के बराबर नहीं है। और क्या होगा, 1 जोड़ 2 3, जो 7 के बराबर नहीं है। अगर इस 7 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, क्या स्टैंडर्ड डाइस है। जब यह स्टैंडर्ड डाइस हो गया,
इसका मतलब क्या हुआ कि इसके विपरीत सत्ता वाला जो होगा ना, इसका योगफल कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई कहेगा कि एक के विपरीत क्या होगा, तो 6, और 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि हमको यह स्टैंडर्डाइज बन चुका है। अगला पॉइंट है क्या कि 2 का विपरीत क्या कहेगा? 5, तो 5 का विपरीत कितना हो जाएगा? 2। 3 का विपरीत कितना होगा? 4। 4 का विपरीत कितना हो जाएगा? 3। ये सिर्फ स्टैंडर्ड डाइस में ऐसा होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए नॉर्मल डाइस क्या होता है। नॉर्मल डाइस में अगर इस तरह से होता है, ठीक है, 3, 4, 5। अब देखिए कोई दो को सत्ता का संलग्न सत्ता को अगर जुड़िएगा, अगर उसका योगफल अगर 7 आ गया तो क्या होगा? नॉर्मल डाइस होगा। क्या है ये? देखिए 3 + 4 कितना है? 7। इसका मतलब क्या है? नॉर्मल डाइस हो गया। क्या होगा? नॉर्मल डाइस मतलब साधारण पासा, इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगर इसमें हमको नॉर्मल डाइस में पूछे 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत सिर्फ पड़ोसी को छोड़ करके अन्य सभी हो सकते हैं। पड़ोसी में कितना होगा? 4 और 5 और 3 को छोड़कर, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। 1, 2, 6 हो सकता है। अगर कहेगा 4 का भी अगर पड़ोसी क्या हो सकता है, यानी सामने विपरीत सतह पे क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 6 होगा। अगर 5 के भी विपरीत सतह पे बोलेगा तो 1 होगा, 2 होगा और 6 होगा। क्लियर यहां तक? लेकिन उसी प्रकार से अगर 6 का विपरीत भी अगर पूछ दे, 6 के विपरीत क्या हो सकता है? 3, 4, 5 में से कुछ भी हो सकता है। 3, 4, 5 में से कुछ भी हो सकता है। अगर हमसे पूछे 4 के विपरीत तो ही होगा, और 3 के विपरीत तो ही होगा, सॉरी 3 के विपरीत नहीं होगा, मतलब 1 के विपरीत 5 होगा ना। एक मिनट, अब देखिएगा 6 का हो गया, 4 का हो गया, अगर 1 का विपरीत पूछेगा तो यही सब होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि अगर 3 का विपरीत पूछेगा 1, 2, 6 होगा। ठीक है, 4 का पूछेगा 1, 2, 6 हो सकता है, 5 का पूछेगा 1, 2, 6 हो सकता है, मतलब इसमें से कोई भी हो सकता है। तो इसमें इसको हो जाएगा तो इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होगा कि इसमें क्या होगा, आपको आंसर कन्फर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, आंसर आपको कन्फर्म नहीं मिलेगा। अब देखिएगा इसमें अलग अलग टाइप के जितने सारे क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए टाइप फर्स्ट में क्या होता है? टाइप फर्स्ट में होगा कि आपको एक सिंगल पासा दिया रहेगा, सिंगल, ठीक है, इस तरह से दे दिया, 1 है, 2 है, 3 है, सिंगल पासा दिया हुआ है। अब इसमें पूछ देगा 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा? तो जब 3 के विपरीत है, आप देखिए जब सिंगल पासा दिया हुआ रहता है तो उसको सिर्फ एक ही चीज चेक करना है कि यह स्टैंडर्ड है डाइस है या नॉर्मल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस या नॉर्मल डाइस। इसकी पहचान संलग्न सतहों को जोड़ के देखेंगे, 3 और 2 कितना होता है? 5, 7 के बराबर नहीं है। इसको करेंगे 3 तो 7 के बराबर नहीं है, ये 4 तो 7 के बराबर नहीं। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? नॉर्मल डाइस है, सॉरी स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है। जब यह स्टैंडर्ड डाइस है इसका मतलब क्या होगा? 1 के विपरीत कितना होगा? 6। 3 का विपरीत कितना होगा? 4। और 2 का विपरीत कितना होगा? 5। हमको आंसर बोल रहा था 3 का विपरीत कितना होगा? 4। इस सवाल का आंसर होगा, कोई दिक्कत? आगे देखिएगा टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 में क्या होता है? टाइप 2 में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? 2 डाइसेस आर गिवन, मतलब क्या होगा कि 2 पासा दिया रहेगा, 2 पासा दिया हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए 2 पासा जब दिया रहेगा इसमें चलता है कॉमन सरफेस। कॉमन सरफेस क्या होता है? कॉमन सरफेस, तो इसमें कितना होगा? 3 टाइप के इसमें आते हैं। ये क्या आता है? 1 सरफेस इज कॉमन, एक सतह उभयनिष्ठ हो। बी में क्या रहेगा? 2 सतह उभयनिष्ठ हो। और तीसरा में रहेगा कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं हो। ठीक है, ये टाइप 2 हो गया। टाइप 3 में क्या आता है? ओपन डाइस आता है। क्या आता है? ओपन डाइस, सॉरी टाइप 3 में आप बोल सकते हैं टाइप 3 में 2 से अधिक पासा दिया हो रहा है, 2 से अधिक पासा दिया हुआ रहेगा। क्या रहेगा? दिया हुआ
होगा, ठीक है। और जो टाइप फोर जो होता है उसमें क्या आता है, ओपन डाइस, क्या होगा, ओपन डाइस होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? टाइप टू में तीन तरह के क्वेश्चन रहेगा, दो सतह दिया हुआ, दो को पासा दिया हुआ रहेगा, जिसमें एक सतह कॉमन होगा तब उसके लिए, दो सतह कॉमन होगा तब कैसे बनेगा, और कोई सतह कॉमन नहीं हुआ, उभयनिष्ठ नहीं हुआ तब कैसे बनेगा, ठीक है। और टाइप थ्री में पूछेगा दो से अधिक पासा दिया हुआ रहेगा और उस पर क्वेश्चन पूछेगा। टाइप फोर में क्या है, ओपन डाइस है, क्या है, ओपन डाइस है। क्लियर है, और देखिएगा आगे हम चलते हैं टाइप टू का फर्स्ट टाइप, यानी ए, यानी एक सतह कॉमन हो, एक सतह कॉमन हो। अब देखिएगा, अब जैसे देखिए दो को हम ले लेते हैं पासा, एक है, तीन है, चार है, इसमें लेते हैं तीन चार, तीन छह, जब ऐसा दिया हुआ है इसमें क्या है, दो को दिया हुआ है जिसमें एक सतह क्या है कॉमन, वो क्या है तीन। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी दिया रहेगा कॉमन क्या दिया हुआ तीन, तो तीन को लिखेंगे, या तो इसको क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो दोनों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दोनों को, ठीक है। तो इसको क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं कितना होगा, चार होगा, एक होगा। अगर तीन यहां से लिए इसके बाद क्या होगा, छह होगा, पांच होगा। ये जो सामने सामने जो आ गया, ठीक है, ये जो सामने सामने आ गया उसको क्या कहेंगे, विपरीत बोलेंगे, यानी चार के उल्टा सामने क्या आएगा, छह, और छह के सामने चार आएगा, एक के सामने कितना आएगा पांच, और पांच के सामने कितना आएगा एक आएगा। क्लियर है। और फिर देखिएगा क्या, अगर जो बच गया, क्या बच गया है, यहाँ पे दो बच गया, तो दो किसके सामने होगा, तीन के सामने होगा, दो के विपरीत में क्या आएगा, तीन आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, फिर समझिएगा, एक सतह कॉमन हो, या तो इसको कॉमन सतह को लिखें, या तो इसको क्लॉकवाइज घूमिए, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो दोनों में क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्या। तीन के अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो चार और एक हुआ, चार एक हुआ, इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो छह और पांच होगा, छह और पांच होगा, इस सामने सामने जो आया उसका उल्टा, चार के सामने छह तो छह उसका चार के विपरीत सतह पे आएगा, और छह के विपरीत सतह पे चार आएगा, एक के विपरीत सतह पे पांच आएगा, और पांच के विपरीत सतह पे एक आएगा, दो बच गया तीन, तीन के विपरीत सतह पे क्या आएगा, दो आएगा। ये होता है एक सतह जब कॉमन रहता उसके लिए। क्लियर है, एक सतह कॉमन रहेगा उसके लिए रहेगा। आगे देखिएगा, अगला कहता है कि दो सतह कॉमन रहेगा, जैसे देखिए अब कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं इसमें और बना लेते हैं एक आध क्वेश्चन। अब देखिएगा, एक है, पांच है, चार है, तीन, दो, अच्छा। अब देखिएगा इसमें क्या है कॉमन, पांच कॉमन है, क्या करेंगे, पांच के विपरीत सतह पर क्या ले, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्या घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, चार है, एक है, और अगर पांच के क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ऐसे कितना होगा, तीन होगा, दो होगा, चार के सामने कितना आया, तीन, एक के सामने कितना आया, दो, इधर क्या बच गया, छह, इसका मतलब पांच के विपरीत सतह क्या होगा, छह होगा। क्लियर यहां तक। अब इसका हमको पूछता कि हमको चार के विपरीत सतह क्या होगा, चार के विपरीत, विपरीत सतह इतना होता, तीन होता, तो तीन इस सवाल का क्या हो जाता, उत्तर होता, ठीक है। आगे देखिए अगला टाइप, अगला कहता है कि जब दो सतह कॉमन हो तो, दो सतह कॉमन हो तो, बी टाइप, जब दो सतह कॉमन हो, जब दो सतह कॉमन हो, अब देखिएगा दो सतह कॉमन के लिए पास ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये जो है इस तरह से पूछेगा, एक है, तीन है, पांच है, और आगे जो रहेगा एक, तीन, छह। अब देखिए दो दो सतह इसमें है, एक तीन, एक तीन, दो दो सतह कॉमन है, इसका मतलब जो बच गया है उसके क्या होगा, विपरीत होगा, यानी पांच के विपरीत क्या होगा, छह, और छह के विपरीत क्या हो जाएगा, पांच, तो दिक्कत। लेकिन अगर पूछते एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत वो नहीं हो सकता जो पड़ोसी में हो,
जो पड़ोसी रहेगा वो बीपी 70 पे नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिएगा एक के पड़ोसी कौन है, तीन है और पांच है, यहाँ कितना है, छह भी है। तीन पांच छह तो नहीं आएगा, दो हो सकता है, चार हो सकता है, और तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि एक दो तीन एक चार, तो दो और चार होगा। अगर हमको पांच के बीपी 70 पे कुछ था, एक तीन नहीं होगा, एक तीन छह नहीं होगा, दो और चार होगा, क्लियर है। और अगर इससे से पूछता हमको कि अच्छा इसके जब पूछता चार के बीपी 70 पे क्या होगा, तो चार के बीपी 70 पे क्या हो सकता है, एक हो सकता है, पांच हो सकता है, एक हो सकता है, पांच हो सकता है, क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, आंसर आपको कंफर्म नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, देखिए एक है, चार है, छह है, चार छ तीन। अब देखिए इसमें क्या है, चार और छ, चार और छ, दो दो हैं। अब क्या करेंगे, एक के बीपी 70 पे क्या आएगा, तीन आएगा। लेकिन अगर हमको पूछता छ के बीपी 70 पे क्या होगा, तो एक चार और तीन नहीं होगा, तो क्या हो सकता है, दो हो सकता है और पांच हो सकता है, ठीक है। अगर ये चार के बीपी 70 पे पूछता, जो बच जाएगा वो, ठीक है ना, मतलब मान के चलिए कि जो इसमें नहीं दिख रहा हो वही क्या होगा, इसके बीपी 70 पे होगा, यानी दो और पांच। तो इसमें क्या होगा, आंसर क्या होगा, कंफर्म नहीं होगा, आंसर कंफर्म नहीं होगा, नहीं होगा, क्लियर है, आंसर इसमें कंफर्म नहीं होगा। आगे देखिएगा, अब इसमें देखिए हम लोग दो सतह हम लोग कॉमन था उसको हम लोग देख लिए, तीन सतह, अगर दो सतह हो यानी दो को पासा दिया हो और उसमें कोई सतह कॉमन नहीं हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी सी टाइप है, कोई सतह कॉमन नहीं हो, कोई सतह कॉमन नहीं हो, ठीक है, कोई सतह कॉमन नहीं हो, ठीक है। अब देखिएगा इसमें देखिए इसमें एक है, दो है, तीन है, चार पांच छह। अब देखिए इसमें कोई भी सतह कॉमन नहीं है, और जब इसमें कोई सतह कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, इसको सिर्फ चेक करेंगे, क्या इसको चेक करेंगे, स्टैंडर्ड है डाइस है या नॉर्मल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस या नॉर्मल डाइस को क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड डाइस या नॉर्मल डाइस को चेक करने का नियम क्या है, कि संलग्न सतह को जोड़ेंगे, अगर वह सात आ गया तो नॉर्मल डाइस, अगर वह सात नहीं आया तो स्टैंडर्ड डाइस, क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, संलग्न सतह का, ठीक है, संलग्न सतह अगर जोड़ते हैं क्या होगा, अगर सात आया तो नॉर्मल डाइस, अगर सात नहीं आया तो स्टैंडर्ड डाइस, इसको जो जोड़ के देखिए, क्या ये सात आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सात आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक और दो सात आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब जब क्या है, ये है स्टैंडर्ड डाइस। अच्छा, जब दो को में से एक स्टैंडर्ड डाइस हो गया तो अगला भी स्टैंडर्ड डाइस ही होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा और दूसरा नॉर्मल डाइस हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ये भी हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस। अब इसमें हमको कोई भी क्वेश्चन पूछे, पूछता कि एक के बीपी 70 पे क्या होता है, जब स्टैंडर्ड डाइस हो गया तो इसका हम लोग जानते हैं क्या, कि एक के बीपी 70 पे क्या होना चाहिए, छह होना चाहिए, क्योंकि बीपी 70 स्टैंडर्ड डाइस वाला में सात आता है, नॉर्मल डाइस वाला में संलग्न सतह में सात आता है, लेकिन इसमें क्या आता है, स्टैंडर्ड डाइस में बीपी 70 वाला आता है, इसके बीपी 70 पे क्या आएगा, छह आंसर होगा। दो के पूछता तो कितना होता, पांच, और तीन के पूछता तो कितना होता, चार, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक क्वेश्चन लेते हैं नॉर्मल डाइस पे, ठीक है, देखिएगा इसमें जो दिया हुआ है, देखिएगा तीन चार पांच, एक दो एक, और देखिए क्या होगा, ये भी क्या है, इसमें भी इन दोनों में कोई सतह कॉमन नहीं है, कोई सतह कॉमन नहीं है तो चेक करेंगे, क्या है, चार तीन सात, तीन प्लस चार कितना हो गया, सात, मतलब क्या हो गया, ये नॉर्मल डाइस, अगर ये नॉर्मल डाइस हुआ तो भी होगा नॉर्मल डाइस, देखिए छह कितना होगा, सात, एक प्लस छह कितना होगा, सात, ये भी क्या होगा, नॉर्मल डाइस, मतलब दो में से एक चेक कर लिया तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अब देखिए, जब ये नॉर्मल डाइस हो गया तो तीन के विपरीत सतह पे, तीन के विपरीत सतह पे इसमें से कोई भी हो सकता है, मतलब क्या होगा, एक दो छह। अगर पूछेगा तीन चार के विपरीत सतह पे पूछेगा तो एक दो छह होगा, पांच के विपरीत सतह पूछेगा तो एक दो छह होगा। लेकिन अगर पूछ देखे कि एक विपरीत सतह पे क्या होगा, तीन चार पांच में से कोई भी, तीन चार पांच में से कोई भी। दो के विपरीत सतह पूछेगा तो तीन चार पांच में से कोई भी, और अगर छह के विपरीत सतह पूछेगा तो तीन चार पांच में से कोई भी, मतलब इसका आंसर कन्फर्म नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, आगे कहता है, यहां तक हम लोग पढ़ चुके कि कोई सतह कॉमन नहीं हो। अगला टाइप हम लोग को आता है कि मोर देन टू डेज, मतलब कि दो से अधिक अगर पासा दिया हुआ हो तो उसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो दो से अधिक कैसे दे सकता है, तीन हम लोग लेके देखते हैं, कहीं कहीं चार भी देगा आपको। ठीक है, एक है, दो है, तीन है, तीन चार पांच, दो चार छह। और हमसे पूछ दे एक के बीपी सतह पे क्या होगा, एक के बीपी सतह पे क्या होगा। अब देखिएगा ऐसा जब होगा, हम लोग इसमें से कोई भी हो, कोई दो को ही लेके चलना है, दो को वैसा लेके चलना है जिसमें एक सतह कॉमन हो। देखिए, इसको इसको अगर मिलाते हैं तो तीन मिला हुआ है, एक सतह कॉमन हो, इसको इसको मिलाएंगे तो दो है, एक सतह कॉमन, इसके इसके हिसाब से जब चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना है, हाँ ये है, ये दोनों से, तो तीन के अगर हम एंटी क्लॉक पे चलते हैं तो एक और दो, और यहाँ से तीन के एंटी क्लॉक पे चलते हैं तो चार और पांच होगा, इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, चार, यानी एक के बीपी सतह पे कितना आएगा, चार, इसका होगा आंसर। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा, बाकी और आगे भी चेक कीजिएगा, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि एक से दूसरा आंसर होगा, दूसरा से दूसरा आंसर होगा। अब देखिए, इसको इसको अगर हम मैच करते हैं, ठीक है, ये दोनों को मैच करेंगे, अब देखिए दो के बीपी सतह एंटी क्लॉक पे चलेंगे कितना होगा, तीन और एक होगा, यहां चलेंगे तो कितना होगा, दो से चार और छह, कितना होगा यहाँ पे, चार और छह होगा, एंटी क्लॉक हो एक दो, अच्छा इसमें दो मिला ना, तीन और एक, इसमें कितना है, चार और छह। अब देखिए यहाँ इसके हिसाब से क्या आ गया, छह आ गया। अब देखिए यहाँ इसके हिसाब से छह आ गया, देखिए हम ये क्वेश्चन मन से लिए थे, ठीक है, हालांकि ऐसा कभी नहीं होगा कि एक से आंसर दूसरा होगा, दूसरा से आंसर दूसरा होगा, तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ठीक है, जब भी होगा तो आंसर सेम ही आएगा, मन से क्वेश्चन लेने की वजह से क्या होगा कि इसमें क्या होगा, दिक्कत आ गया कि सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है, यानी अलग अलग आंसर आ गया, लेकिन अलग अलग आंसर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए आप ऐसे हो रहिएगा। आगे देखिए, अगला जो टाइप है मोर देन टू डाइस था, अगला टाइप क्या है, उसमें रहेगा ओपन डाइस रहेगा, क्या रहेगा, टाइप नंबर फोर क्या रहेगा, ओपन डाइस, टाइप नंबर फोर क्या रहेगा, ओपन डाइस रहेगा, क्या रहेगा, ओपन डाइस। अब देखिए ओपन डाइस में क्या होता है, इस तरह से आपको फिगर दिया रहेगा, देखिए इस तरह से, यहाँ पे एक है, दो है, तीन है, चार पांच छह, इस तरह से रहेगा, डाइस में तो छह सतह होते हैं। अब देखिए इसका जो हम लोग तरीका क्या है, अल्टरनेट क्या देखेंगे, अल्टरनेट देखेंगे, यानी दो के विपरीत क्या होगा, चार, तीन के विपरीत क्या होगा, छह, और एक के विपरीत क्या होगा, तीन के विपरीत क्या होगा, पांच, पांच और एक के विपरीत क्या होगा, छह, मतलब अल्टरनेट, दो के अल्टरनेट कितना है, चार, तीन का अल्टरनेट कितना है, पांच, तो ये बच गया ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत, ये क्या होगा, विपरीत होगा। अब देखिएगा विपरीत सतह वाला में होता है क्या, इसमें पूछ देता कि इसमें कभी ऐसा नहीं पूछेगा कि दो के सामने विपरीत सतह पे क्या होगा, इसको इस तरह से डाइस देके पूछेगा, ऐसे चार को ऑप्शन देगा आपको, क्या देगा, चार को ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन रहेगा,
बी है, सी है और डी है। इसमें आपको क्या देगा? दो, चार, पांच, दो, छ, चार, दो, एक, छ, इसमें एक, दो, तीन। अब देखिए, बता देखिए, इस तरह से क्वेश्चन देगा, ऐसे आपको पूछेगा। जब ऐसे पूछता है तो इसके हिसाब से आपको क्या होगा कि दो के बीपी सतह पे क्या होना चाहिए? चार। एक चीज दिमाग में रखिएगा, विपरीत सतह वाला ना ही एक साथ छिपेगा और ना ही एक साथ दिखेगा। विपरीत सतह में क्या होगा? विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेगा और नहीं छिपेगा। ये बात को इसमें हमेशा याद रखिएगा, विपरीत सतह नहीं एक साथ दिख सकता है और नहीं एक साथ छिप सकता है। क्योंकि एक सतह अगर दिखेगा तो सलंग सतह पे आ जाएगा, और विपरीत सतह वाला सलंग सतह पे कभी नहीं आता है। अगर एक साथ छिप भी गया, तीन सतह जो छिपता है सलंग नहीं होता है, अगर छिपेगा तो सलंग सतह पे आ जाएगा। इसलिए विपरीत सतह वाला जब भी होगा तो नहीं एक साथ छिपेगा और नहीं एक साथ दिखेगा। क्लियर यहां तक? अब देखिए इसके हिसाब से क्या होगा। देखिए यहाँ क्या है, दो, चार, पांच, दो, चार। देखिए दो और चार है, क्या दो और चार विपरीत सतह वाला है। विपरीत सतह वाला न एक साथ दिखेगा और न एक साथ छिपेगा, एक साथ दिख रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा इसके हिसाब से। ठीक है, दो, चार, छ, इसमें भी दो चार आ गया, ये भी नहीं होगा। इसमें एक, दो, छ, एक, दो, छ, एक, दो, छ, यानी एक और छ, एक और छ क्या है, विपरीत सतह वाला है, एक साथ दिखना नहीं चाहिए, नहीं एक साथ छिपना चाहिए, तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, ये प्रूफ होगा क्योंकि विपरीत सतह वाला एक भी नहीं है। जब भी ऐसा कंडीशन होगा, एक साथ वाला अगर दिख जाए ऐसे वाला भी होगा। ठीक है, चाहे इस साइड वाला एक बैग दिख जाए, चाहे इस साइड वाला, अगर इधर उधर कभी भी इससे इससे टर्न हुआ, मैंने सामने सामने से जब भी आया अगर दिख रहा है तो नहीं होगा आंसर। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? अब देखिएगा ये चार टाइप के क्या होते हैं, पूरा का पूरा सवाल डाइस का पूछा जाता है। अगर इतना जिनको समझ में आ गया, आशा करते हैं कि उनको डाइस से क्वेश्चन ना के प्रवच छूटेगा। ठीक है, और ये ज्यादा नहीं हुआ, 20 से 25 मिनट का ये वीडियो है। ये वीडियो आपको बहुत कारगर सिद्ध होगा हर एग्जाम के लिए, एसएससी हो, रेलवे हो, लिखना हर एक चाहिए, दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, उसमें काम देगा आपको। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास इतना ही। ठीक है, ओके।